नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th of March 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑफ 4 व्हीलर्स विद 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, न्यू दिल्ली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम। तो इंडिया का लार्जेस्ट ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है दोस्तों वो 4 व्हीलर्स का, वो 86 सेक्टर 86 ऑफ गुरुग्राम इन हरियाणा ऑन March 3, 2022। द न्यू ईवी चार्जिंग स्टेशन कम्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 121 चार्जिंग पॉइंट्स ऑफ 4 व्हीलर्स एंड कैन चार्ज 1000 कार्स इन अ सिंगल डे। गुरुग्राम नाउ हैज 2 लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। The first EV station was opened in Sector 52 in January 2022 with a capacity of 100 charging points for 4 wheelers, right? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर गुरुग्राम में अब 2 चार्जिंग स्टेशन्स हो चुके हैं, एक आपका हो चुका है सेक्टर 52 में और एक आपका हो गया सेक्टर 86 में, ठीक है। सेक्टर 52 में 100 कैपेसिटी है और 86 में 121 चार्जिंग पॉइंट्स की कैपेसिटी यहाँ पर रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज हैव बीन अवार्डेड एज अ स्पेशल जूरी अवार्ड एट द 9th एडिशन ऑफ द FICCI वाटर अवार्ड्स? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो यहाँ पर दोस्तों NMCG ने रिसीव किया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर 2022 FICCI वाटर अवार्ड्स। दिस हैज बीन अवार्डेड विद द फॉर इट्स एफर्ट्स इन रिवाइविंग रिवर गंगा टू ब्रिंग आउट अ पैराडिग्म ऑफ शिफ्ट इन द वाटर मैनेजमेंट, राइट। तो बेसिकली आप लोगों को पता है क्लीन गंगा का मिशन तो है ही दोस्तों, और उसके लिए स्पेशल जूरी अवार्ड इसे दिया गया है 2022 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द डेफ एक्सपो 2022 has been postponed till further orders. The event was scheduled to take place in which city? Options are there on your screen and the correct option will be option number D, that is Gandhinagar. तो यहाँ पर Deaf Expo 2022 that is scheduled to be held on March 10 to March 14 in Gandhinagar of Gujarat has been postponed by the Ministry of Defence due to logistic problem being experienced by the participants. New dates of the Defence Expo shall be communicated in due course, right? तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो चुका है, postpone किया जा चुका है ये Ministry of Defence के द्वारा, और फर्दर जो डेट है वो आनी अभी बाकी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंडिया हैज साइंड अ होस्ट सिटी ओ कंट्री एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU इन विच ऑफ द कंट्री? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यू दिल्ली, राइट। तो यहां पर दोस्तों बेसिकली इंडिया ने एक HCA टेलीकम्युनिकेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पर उसका जो इनोवेशन सेंटर वो न्यू दिल्ली में खोला गया है। तो ये जो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट रहेगा, जो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट रहेगा, ऑपरेशंस रहेगा, वो एरिया ऑफिस में रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, इन सबको लेकर। और एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और बिटवीन योर सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ ITU, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन है वो जेनिवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शन बाय एक्सिस बैंक ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर अंडर समृद्ध फैसिलिटी? तो यहां पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 150 मिलियन, कम से कम आपका 150 मिलियन का यहाँ पर कमिटमेंट किया है एक्सिस बैंक ने टू लोन टू हेल्थ केयर वाया समृद्धि फैसिलिटी। समृद्ध फैसिलिटी, अभी समृद्ध फैसिलिटी है क्या? देखो, व्हाट इज समृद्ध? समृद्ध इज द हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर इन अ पूल ऑफ फंड्स इज यूज्ड टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथन द स्किल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया। समृद्ध इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। समृद्ध स्टैंड फॉर, नाउ यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म, सस्टेनेबल असिस्ट टू मार्केट्स रिसोर्सेज ऑफ द इनोवेशन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। आई नो बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर डेप में क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट बात करते हैं, विदा इज अ न्यू ब्रांड नेम लॉन्च बाय द कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ यू हैव टू टेल कि कौन सी कंपनी है जिसने अपना नया ब्रांड नेम निकाला है ईवी व्हीकल्स के लिए। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प,
ठीक है। यहाँ पर हीरो मोटो को हमने अनवेल किया है विदा को दोस्तों, फॉर इट्स इमर्जिंग मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदा मींस लाइफ, ठीक है। विदा ब्रांड हैज बीन अनवेल्ड बाय डॉक्टर पवन मंजूर, चेयरमैन ऑफ सीईओ ऑफ हीरो मोटर कॉर्प, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो फंड एलोकेट किया गया है कंपनी द्वारा 10,000 एंटरप्रेन्योर्स एंड $100 मिलियन, राइट। ही इज ऑल्सो अनाउंस्ड फॉर द $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोग्राम। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर द विदा ब्रांड इज ऑफिशियली अनवेल्ड ऑन July 1, 2022 कंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्रिजमोहन लाल, चेयरमैन ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ फॉर द एयरलाइन कंपनी ऑफ जेट एयरवेज, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी संजीव कपूर। जेट एयरवेज के दोस्तों नए सीईओ घोषित किए गए हैं, इनका नाम क्या है, संजय कपूर। फोटो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओबरा होटल्स के एंड ऑल्सो वर्क एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दैट इज CFO ऑफ स्पाइस जेट, है ना। विस्तारा में भी इन्होंने काम किया है और अब इनको सीईओ बना दिया है इसका, जेट एयरवेज का। 4 अप्रैल से ये अपनी पोजिशन ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अमन मिल्की हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ डैश ऑफ इंडिया, ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने रिजाइन किया है अमन लेखी ने एज अ एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। अमन लेखी इज अ हस्बैंड ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी, इनके हस्बैंड है ये। डिड नॉट गिव एनी रीजन टू ऑफिस रेजिग्नेशन, इनके रेजिग्नेशन का कोई भी रीजन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। लेखी वॉज अपॉइंटेड एज अ एएसजी इन March 2018 एंड वॉज री अपॉइंटेड इन 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टिल 2023, बट इन्होंने बीच में दोस्तों क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री, नाउ द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यूजीलैंड। एज वी ऑल नो, मैंने यहाँ पर पूरा एक डिटेल वीडियो भी डाला है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको इसके ऊपर का पूरा वीडियो मिल जाएगा। अगर किसी वीडियो नहीं मिलता तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करके पिन कर दूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो डिटेल में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 8 कंट्री यहाँ पर खेलने के लिए मौजूद हुई है दोस्तों हमारे साथ इस टूर्नामेंट में, जो कि है न्यूजीलैंड, जो कि होस्ट कंट्री है दोस्तों, ये ध्यान रखना, न्यूजीलैंड होस्ट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, राइट। ये दोस्तों हैगली ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड के 6 सिटीज में इसको खेला जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 अप्रैल से लेकर 31 दिन का पूरा ये टूर्नामेंट यहाँ पर रहेगा और ये दोस्तों राउंड रोबिन, ठीक है, राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की। द वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी March 4। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम दिया गया तो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर थीम याद रखनी है दोस्तों। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।